जापेंगे दोनों नसबा जो है ना दाएं बाएं करके जापेंगे। हाँ एगो सुने कौन तो गरुड़ाज सिंह है, उसका नरेटिव देखिएगा तो गरुड़ नियन है। तो गरुड़ पे तो हम लोग सवार हो जाते हैं, लोग निरहुआ हैं, निरहुआ हैं कि निहूर गए जा करके बीजेपी में। तो पहले तो पाकिस्तान नजर आता था, अब कि अफगानिस्तान नजर आएगा। जो तो देखिए किस तरह से यहाँ पे काफ़ी अच्छा नज़ारा यहाँ का दृश्य है। ऐसे हम परेशान है साहब, बक्सर जिला हमारा घर है, राजपुर थाना में गांव है, जलीलपुर पंचायत है, सोनपा गांव को निवासी। बक्सर से जिसका पैदाइशी नेगेटिव तरीके से हुआ है, पॉजिटिव क्या बात करेगा। उसी तक कि हमारा एक दिन सरकार आएगा। अब आ गया वो हमसी से ना, हम लोग जदुवंशी के लिए मरेंगे और कटेंगे, हम उसी को काम करेंगे। नमस्कार प्रणाम, मैं छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज़ भोजपुरी। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी के मगध सम्राट अहिरान आचार्य संतोष धीरे धीरे कुछ अभी है यार कस गया तेज से। संतोष यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि RGD के यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इनको बनाया गया है। और देखिए काफ़ी इनके साथ सब पीला गमछी लेकर मौजूद हैं संतोष यादव जी के साथ में, और 15 अगस्त की तैयारी में आए हैं। सर सबसे पहले आपको तबाही न्यूज़ भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत। तबाही न्यूज़ के माध्यम से जितने भी लोग जो देख रहे हैं हमें, आप तमाम लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ। सर ये बताइए कि अभी आप RJD आवास तेज प्रताप यादव जी के आवास पे पहुँचे हैं, RJD आवास पे आप पहुँचे हुए हैं जो कि तेज प्रताप यादव जी का आवास यहाँ पे स्थित है, तो क्या है यहाँ पे अभी किस वर्क में है। यह यदुवंशी सेना का राष्ट्रीय कार्यालय भी है। खाना वाना नहीं खा क्या है क्या सर, बड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं। आज तो फास्टिंग जरूरी है ना, तो झंडोत्तोलन होगा, खत्म हो गया है क्या एनर्जी, ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ। थोड़ा सा एनर्जी कुछ सेव करके रखे हैं, क्योंकि अब देश में जितने भी विरोधी कुकुरमुत्ते हैं वो सब लोग भाव भाव करना शुरू करेंगे, उनको भी देखना पड़ेगा ना, क्योंकि सबको अब तेज और तेजस्वी सबको बुरे लगने शुरू हो जाएंगे, जितने भी जो विपक्षी लोग हैं विरोधी लोग हैं, थोड़ा सा उनको भी जवाब देने के लिए एनर्जी बचा के रखना ज़रूरी है। और देखिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं संतोष यादव जी के साथ में काफ़ी समर्थक लोग, देखिए और थोड़ा सा पूछो जी मौजूद हैं, थोड़ा सा मैं इनसे भी जानने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले तो आपको 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। आपको भी बधाई, ढेर सारा बधाई। और हमारे संतोष रेणु भैया जी के साथ में हम आए हुए, प्राउड फील हो रहा है। और हम जानते हैं कि तेजस्वी रफ्तार तेजस्वी सरकार, हम लोग जदुवंशी से ना, हम लोग जदुवंशी के लिए मरेंगे और कटेंगे, हम उसी को काम करेंगे। हम लोग काम कर रहे हैं, ज़्यादा तक विस्तार करेंगे, पूरा पूरा विस्तार होगा। हम लोग को चल रही है, पूरी संगठन चल रही है। आप लोग जहाँ भी हो, जदुवंशी कहीं भी हो, आप हमसे मिले और जुड़े, हम आपको एकदम तहे दिल से बधाई देते हैं। संतोष रेणु भैया के तरफ से और हम अपने तरफ से, हम अपने जदुवंशी सेना की तरफ से आप सबों को हार्दिक बधाई हो। और हम यही कहना चाहते हैं कि जितना भी कुछ हो, कि आप लोग जितना आगे से आगे हमारा जदुवंशी सेना को बढ़ाएं, जितना भी यादव कुल हो, हम लोग को एक होना, एकजुट होना मैं से चाहूंगा, बहुत जरूरी है। सभी समर्थक संतोष यादव जी के साथ में यहाँ पे आए हुए हैं, और जो कि तेज प्रताप यादव जी का आवास है, देखिए सभी को दिखाया जाए। मैं कैमरा मैन से चाहूंगा कि मैं अभी तेज प्रताप यादव जी का आवास से मौजूद है, तो और आप क्या कहना चाहते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि जब हम जदुवंशी सेना को इतना आगे ले जाएंगे, इतना आगे ले जाएंगे कि आप उनका मुआयना नहीं कर सकते, क्योंकि संतोष रेणु भैया ही ठाने हैं कि हम लोग को इनका एक्सपेंड इतना करना है पूरे भारत में, अदुवंशी अहिर रेजिमेंट जो होता है उसके लिए हम लोग प्राण भी चल जाएगा, लेकिन हम लोग लेके रहेंगे। हम लोग को ताबड़तोड़ है, ताबड़तोड़ मेहनत करेंगे। हम लोग समाज के लिए मरते हैं और समाज के लिए जीते हैं। अरेंजमेंट का मांग कीजिएगा। हाँ एकदम, बिल्कुल मांग करेंगे अरेंजमेंट के, होना चाहिए अरेंजमेंट, नहीं होगा तब तक हम लोग रोड पे रहेंगे और काम करेंगे इसके लिए, क्योंकि हम लोग ठाने हैं और हम लोग जानते हैं कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार ये भी चाहिए। और हम लोग अदुवंशी सेना है और अदुवंशी सेना के लिए मरेंगे, और आप जो कुछ पूछिए हम उनका उत्तर देने के लिए सक्षम है आपके पास। RJD सरकार आ गई, खुशी है एकदम, बिल्कुल खुशी है। वो तो पहले से खुशी था कि हमारा एक दिन सरकार आएगा, और आ गया वो, हम जान रहे थे कि हमारा सरकार आएगा, आया बहुत बढ़िया से आया, आप लोग भी देख रहे हैं। और जितना भी युवा रोजगार था, सबको रोजगार भी मिलेगा, सब खुश भी हैं, युवा देख लीजिए सब खुश है। खाली इसे जिसे खाली इसे जलन किसको है, बीजेपी का, खाली सिर्फ बीजेपी को जलन है बस। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है RJD का एक कार्यकर्ता है सुरेंद्र यादव जी, यदुवंशी सेना का प्रदेश अध्यक्ष भी है सुरेंद्र यादव जी, ये भी मौजूद है यहाँ पे। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत स्वागत है।
आप लोग अभी तेज प्रताप यादव जी के आवास से पहुंचे हैं, किस मामले में पहुंचे हैं? हम लोग यहाँ पे झंडा तोलन करने के लिए पहुंचे हैं, और जो भी विपक्षी लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख नौकरी चिल्ला रहे हैं, उस लोगों को भी हम लोग भी भैया के सामने प्रस्ताव हम लोग सब कुछ पेश करेंगे, और धीरे धीरे जो है सब अभी 3 साल समय बच रहा है, इसको पूरा किया जाएगा। और देखिए कभी काफ़ी समर्थकों में खुशी की लहर है, और यहाँ पे संतोष रण यादव जी मौजूद हैं जो कि यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इन्हें बनाया गया है, और देखिए तेज प्रताप यादव के आवास पर मौजूद हैं झंडोत्तोलन के लिए। तो सर ये बताइए कि अभी सरकार ठीक से बनी भी नहीं है RJD की, तो कुछ लोग बदनाम करना शुरू कर दिए। अब जिसका पैदाइशी नेगेटिव तरीके से हुआ है, पॉजिटिव क्या बात करेगा? जो पैदा ही नेगेटिव कारणों से हुआ है वो पॉजिटिविटी कभी सोचेगा? नहीं सोचेगा, है ना। अभी आप भाई से पूछ रहे थे अही रेजिमेंट के बारे में, तो हम लोग निरहुआ हैं, निरहुआ हैं कि निहूर गए जाकर के BJP में। यदुवंशी सेना का सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं और कट्टर अहीर हैं। वो तो जा कर के बोले वोट ले लिए कि अहीर रेजिमेंट हम दिला देंगे, कौन तो जोगी जी की महात्मा जी बोले हैं कि आप हमको सांसद बना दीजिए तो अहीर रेजिमेंट में हम ले आएंगे। तो वो जोगी महात्मा कहाँ चला गया? जोगी महात्मा भाग गया कि निहुरुआ गया, वैल्यू नहीं रहा। क्या अहीर रेजिमेंट के लिए आप लड़ेंगे? अरे अहीर रेजिमेंट के लिए समस्त लोग लड़ रहे हैं, और देखिए समस्त लोग अही रेजिमेंट के लिए, मंडल आयोग है उसके लिए लड़ेंगे समस्त। अभी तो तेज तेजस्वी की सरकार बनी है माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तो अभी बिहार अभी बहुत आगे बढ़ेगा। एक मैच्योर है, एक यंग है, दो तरीकों से बिहार को आगे बढ़ाया जाएगा। और देखिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक और RJD के कार्यकर्ता रामाशंकर यादव जी, और देखिए इनसे भी मैं कुछ जानने का प्रयास करूंगा। अभी आपने तेज प्रताप यादव जी के आवास पे आप लोग पहुंचे हैं, और किस मामले पहुंचे हैं और आगे आप क्या सोच रहे हैं? जी हम लोग को झंडा तोलन में हम लोग भाग लेने आए हैं। जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ माननीय आदरणीय अपने नेता तेज प्रताप यादव जी के बारे में। ये भगवान श्री कृष्ण का अवतार मैंने तेज प्रताप यादव जी हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने करोड़ों का नाश किया है, उसी प्रकार माननीय तेज प्रताप यादव जी भाजपा को नाश कर देंगे। वाह क्या बात है। देखिए तेज प्रताप यादव जी के लिए इनके अंदर कितनी दीवानगी है, और इनके RJD के समर्थक भी हैं रामाशंकर यादव जी, और देखिए एक और समर्थक है जो कि काफ़ी बेवाक अंदाज के लिए दीपक कुमार, जो कि काफ़ी विवाह का अंदाज के लिए भी जाना जाता है। ये बताइए कि आपकी सरकार को तो बदनाम करने में कुछ लोग लग गए। देखिए हमारे सरकार को बदनाम जो करने में, उनको कोई काम नहीं है, कोई काम धंधा ही नहीं, बैठे हुए हैं। वो सोच रहे हैं अभी उनका सरकार खत्म हो गया तो खुद से कुछ ना कुछ तो नुकरा निकालेगा ना। जैसे कल गिरिराज सिंह जी, हम गिरिराज सिंह के चैलेंज देते हैं, अगर जो गिरिराज सिंह कह रहे थे इस चारा घोटाला के बारे में, हम उनके टीका टिप्पणी करते हुए बोल रहे हैं कि वो जो है वो पहले उनका सरकार तो 10 लाख के रोजगार की मांग नहीं कर रहे थे, बार बार कभी नहीं कर रहे थे, और अब बार बार कह रहे हैं। क्या मैटर है, पहले क्यों नहीं बोले थे हमको 10 लाख 10 लाख? जब हम लोग को सरकार आई तो उनको याद आ गया कि नौकरी 10 लाख। और देखिए हमारे साथ में युवा प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी आपको भी, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विकास राय यादव यदुवंशी सेना के युवा प्रदेश अध्यक्ष। तो अभी आपके साथ संतोष रण यादव जी मौजूद हैं, आप सभी कार्यकर्ता तेज प्रताप यादव जी के आवास पर मौजूद हैं, तो किन कारणों से आप यहाँ पे मौजूद हैं और आगे क्या करेंगे? देखिए हम लोग झंडा तोलन के लिए मौजूद हैं, भैया अभी आए नहीं हैं, देरी है, इसी के लिए वेट कर रहे हैं भैया का। तो सर ये बताइए कि आपके विरोधी जो भी हैं वो काफ़ी आपको तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, जो कि युवा भी उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, काफ़ी इनको टारगेट कर रहे हैं, 10 लाख नौकरी मांग रहे हैं। हाँ एगो सुने कौन तो गरुड़राज सिंह है, उसका नरेटिव देखिएगा तो गरुड़ नियन है, तो गरुड़ पे तो हम लोग सवार हो जाते हैं। हम लोग गरुड़ पे हम लोग सवार होकर के उड़ते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। खाली उड़िएगा कि नौकरी भी 10 लाख दिलवाइए? अरे उड़ेंगे इस पूरे बिहार को ऊपर की ओर लेकर के चलेंगे तेज तेजस्वी जी के साथ में। तो गरुड़राज सिंह जो है, तो गरुड़राज सिंह का गर्दन पकड़ना है, पकड़ के जांपेंगे दोनों नसबा जो है ना, दाएं बाएं करके जांपेंगे। तो पहले तो पाकिस्तान नज़र आता था, अब कि अफगानिस्तान नज़र आएगा जो तालिबान बन चुका है।
तो चलिए थे हमारे साथ में संतोष रोहन यादव जी, जो कि काफ़ी विवाह का अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। और हमारे देखिए एक और हैं समर्थक आरजेडी के, काफ़ी लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सभी को मैं चाहूँगा कि थोड़ा थोड़ा समय दे दिया जाए। सबसे पहले आपको स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी स्वागत है। और जिस प्रकार से हमारी और आप सबके सरकार बनी है, तो भाजपा में और कुछ लोगों में खुलबुलाहट शुरू हो चुकी है। जो 10 लाख का जो रोजगार का बात कर रही है, वो 2 करोड़ रोजगार के क्यों नहीं बात कर रही है? जो 15 लाख रोजगार 15 लाख रुपया देने का बात क्यों नहीं कर रही है? जिसका हमारे साथ में आरजेडी के सभी समर्थक लोग, मैं कैमरा मैन चाहूँगा कि थोड़ा इस तस्वीर को दिखाया जाए और चारों तरफ दिखाया जाए, जो कि काफ़ी आरजेडी के सभी कार्यकर्ता लोग यहाँ पर झंडा उत्तोलन के लिए पहुँचे हैं और सरकार को काफ़ी घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए एक और हमारे साथ आरजेडी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा कि आप तेज प्रताप यादव जी के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, वहाँ पे क्या है मामला? हमारा यदुवंशी सेना का राष्ट्रीय कार्यालय है, जो कि जिनका संरक्षक तेज प्रताप भैया है, और मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु भैया है, और मैं यदुवंशी सेना के युवा प्रदेश सचिव हूँ, जो कि हम लोग झंडा उत्तोलन के यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहारवासी और देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हम लोग मेरा यदुवंशी सेना में जुड़ने का ही मकसद है कि मैं अपने पूरे यादव समाज को एक करूं, जो भी भटके हुए हैं मेरे यादव समाज, उन सभी को अपने एक करके और अपने जगाए और एक लड़ाई लड़े। जो मेरी यही रेजिमेंट है, जिनको मिल नहीं रहा है कई महीनों से। तो देखिए इस वक्त हमारे साथ जो कि सभी यदुवंशी सेना से यहाँ पे जुड़े हुए लोग हैं, और मैं जानने का प्रयास करूँगा संतोष रोहन यादव जी से, जो कि यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं और सभी कार्यकर्ता इनके यदुवंशी सेना के यहाँ पे मौजूद हैं। आपके साथ जितने लोग जुड़ रहे हैं, यदुवंशी सेना के रीढ़ हैं इधर। चचा जी आप इधर आइए, आप इधर आइए, नहीं इधर आइए, इधर देखिए। और यदुवंशी सेना के रीढ़ हैं, राष्ट्रीय जनता दल के रीढ़ हैं, और ये हम लोगों की दायित्व होती है। हम लोगों के संस्कार संस्कृति में सिखाया जाता है, जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे भविष्य के सीएम, वर्तमान डिप्टी सीएम, जब शपथ ग्रहण के दौरान नीतीश कुमार जी का चरण स्पर्श किए, तो बहुत लोग बोले कि तो नीतीश कुमार के सामने झुक गया। अरे तो हम लोग के संस्कार में है, संस्कृति में है। आप यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और काफ़ी लोग आपसे जुड़ रहे हैं, आगे आप आगे क्या कीजिएगा यदुवंशियों के लिए? पहले वही तो बोल रहे हैं कि हम उन्हीं संस्कारों को, लालू प्रसाद यादव जी के संस्कारों को लेकर के चलते हैं, इन्हें भी चरण वंदन करते हैं। देखिए संतोष रोहन यादव जी बुजुर्ग गार्जियन का पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं, तो आप जिस तरह से यदुवंशी सेना का विस्तार कर रहे हैं, पूरे तरीके से पूरे भारत में यदुवंशी सेना का विस्तार होगा, और यदुवंशियों की कमी कहाँ है जी, बस उसको जगाने की जरूरत थी। आप जगाने के लिए निकले? बस हम सब लोग जागे हैं, जगा रहे हैं। तो अभी देखिए जिला साहब, आज मैं ये भेंट करने के लिए साहब से सो रहे से हम परेशान है साहब। बक्सर जिला हमारा घर है, राजपुर थाना में गांव है, जलीलपुर पंचायत है, सोनपा गांव को निवासी। बक्सर से आए मिलने के लिए? बक्सर से मिलने के लिए आए हैं साहब। सो रहे से हम परेशान है, हमारा आग लगने का नहीं देता है मुआवजा, बहुत हम परेशानी है। देखिए और काफ़ी मैं कैमरा मैन चाहूँगा कि थोड़ा घुड़सवारी का दिखाया जाए, जो कि तेज प्रताप यादव जी के लिए लगता है सारे घुड़सवारी। और देखिए किस तरह से यहाँ पे काफ़ी अच्छा नज़ारा यहाँ का दृश्य है, और दिखाया जाए, मैं चाहूँगा कैमरा मैन से कि सभी घोड़ा को दिखाया जाए, सभी सिपाही यहाँ पे मौजूद हैं, और पटना का कुछ नज़ारा इस तरीके से है। और मैं कैमरा मैन चाहूँगा कि एक बार और फोकस कर दिया जाए यहाँ पे। संतोष रोहन यादव जी कहीं निकल रहे हैं, कहीं लोग जा रहे हैं। तो कैमरामैन राहुल के साथ मैं छोटू तबाही, और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज़ भोजपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद।